नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद्या के। दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त को हुआ है, तो इसमें आपने देखा कि बायोलॉजी के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं और घुमा घुमा के पूछे गए हैं। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर आज लगभग 45 से 50 प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर बिहार पुलिस में पूछा गया है। जब आप देखेंगे क्वेश्चन को तब आपको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे के जो एग्ज़ाम है, जो 11 तारीख या फिर उससे आगे के जो एग्ज़ाम है, उसमें आप पीछे ना रह जाएं, तो इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। धमाकेदार प्रश्न है इस बार, बिहार पुलिस हर हाल में आपको निकालना है, तो कहीं से कमी नहीं रखना होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। देखिए, पहला ही सवाल आ गया है, किसे कोमल त्वचा वाले जीव भी कहा जाता है। अगर आपको पूछता है कि किसे कोमल त्वचा वाला जीव, तो माइकोप्लाज्मा को आंसर करिएगा। माइकोप्लाज्मा को कोमल त्वचा वाला जीव जो है वह कहा जाता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है क्या, देखते हैं। अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले कुछ जीवाणु, अपमार्जक की भूमिका। अब जीवाणु का जगह बैक्टीरिया देगा तो परेशान मत होएगा, बैक्टीरिया ही जीवाणु है, एक ही है दोनों। तो अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु, तो वह है स्यूडोमोनास। जी हाँ, स्यूडोमोनास। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कवक किस प्रकार का जीव है, आपको देगा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ऐसे करके। तो ध्यान दीजिएगा, कवक जो है वह यूकैरियोटिक जीव है। कैसा है? यूकैरियोटिक जीव है, ध्यान दीजिएगा। अब आता है असली प्रश्न, किसे सुनहरे शैवाल भी कहा जाता है। सुनहरा शैवाल भी, तो क्राइसोफाइसी या क्रिसोफाइसी लिखा मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। सुनहरे शैवाल, क्राइसोफाइसी। चलिए, 5 नंबर सवाल पर हम लोग आ गए हैं। लहसुन जो है यह किस कुल का पौधा है। तो लहसुन जो है ना, वह लीलिएसी कुल का पौधा है। किसका? लीलिएसी। कैसे याद रखिएगा? ल से लहसुन और ल से लीलिएसी, ऐसे याद रखिएगा। चलिए देखिए, ऐसे ही प्रश्न आए हैं, जो 6 नंबर सवाल है। अब ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। अमीबा में जो जनन होता है वह कैसे होता है। तो अमीबा में देखिए, बहुविभाजन से होता है, मुकुलन से होता है और द्विविभाजन से हो जाता है। तीनों प्रक्रिया है अमीबा में जनन होने का। 7वां सवाल, प्लाज्मोडियम में जनन, प्लाज्मोडियम में लैंगिक प्रजनन होता है। कैसे होता है? लैंगिक प्रजनन, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 8 नंबर सवाल, प्रोटोजोआ गमन करते हैं, प्रोटोजोआ कैसे चलता है। तो प्रोटोजोआ का अपना कुटपाद, कुटपाद का मतलब कि स्यूडोपोडिया, मतलब इसके पास कुछ पैर है नहीं लेकिन चलेगा, पैर नहीं है फिर भी चलेगा, तो इसी को कहते हैं कुटपाद, मतलब छदम पांव, है ना। तो प्रोटोजोआ या अमीबा हो गया, ये सब कुटपाद के माध्यम से ही गमन करते हैं। चलिए, 9 नंबर सवाल, किसे प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है। तो प्रोटोफाइटा को प्रारंभिक पादप कहा जाता है। किसे? प्रोटोफाइटा को। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वह है ऑर्थोपोडा। जी हाँ, ऑर्थोपोडा जो है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगला प्रश्न, अब देखिए ऐसा प्रश्न आया था, ऑर्थोपोडा शरीर का बाह्य कंकाल बना होता है। आपसे पूछा था बिहार पुलिस में कि किसका बाह्य कंकाल कैल्शियम का बना होता है ना, ये पूछा था। तो यहां पर आएगा कि किसका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। तो आपको पता है आर्थ्रोपोडा शरीर का जो बाह्य कंकाल है वह काइटिन का बना होता है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत हैरानी मत रखिए, ये प्रश्न आ ही जाएगा। तो आर्थ्रोपोडा शरीर का जो बाह्य कंकाल है वह बना है काइटिन नामक पदार्थ का। चलिए, 12 नंबर सवाल, आर्थ्रोपोडा संघ के प्रमुख जीव कौन से जीव हैं जो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो कीट हो गया, मकड़ी हो गया, तितली हो गया, केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गया, कनखजूरा हो गया, चींटी हो गया, झींगा हो गया, कॉकरोच। आपको लग रहा होगा ना कि बहुत सारे पैर वाले जो हैं लगभग या आर्थ्रोपोडा में आ रहे हैं। तो अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो आर्थ्रोपोडा, तो ध्यान दीजिएगा कि ये कीट, मकड़ी, किकड़ी, पिकड़ी, ये सब जो है यह आर्थ्रोपोडा में आता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको आसानी पूर्वक। चलिए, 13 नंबर सवाल, किस समूह के जीवों पर कठोर कैल्शियम का कवच चढ़ा होता है। देखिए, ऐसा ही प्रश्न आया था, बिल्कुल यही प्रश्न ही था, यही प्रश्न था कि किस समूह के जीव पर कैल्शियम, कठोर कैल्शियम का कवच होता है। तो यह होता है मोलस्का। जी हाँ, मोलस्का जो होता है उसी के कठोर कवच होता है।
अब अगर पूछ दे संघ मोलस्का में कौन कौन से आते हैं, तो आप बताए क्या बताएंगे, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश, ये इत्यादि, ये सब जो है संघ मोलस्का के ही भाग हैं। चलिए 15 नंबर सवाल आगे देखते हैं, किस संघ के सभी जीव समुद्री वातावरण में निवास करते हैं और इसके शरीर में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाए जाते हैं। देखिए यहां पर फंसा देगा, मोलस्का में बाह्य कंकाल कैल्शियम युक्त था, मतलब ऊपर का खोपड़ा, इसमें कह रहा है कि अंतः कंकाल कैल्शियम का, तो अगर ऐसे पूछ दे भाई तो फंसना तो तय है, बच्चे तो एकदम मोलस्का मार के आएंगे और जुड़ाएंगे कि हमारा सही हो गया, लेकिन अंतः कंकाल, तो अंतः कंकाल जब पूछे तो इकाइनोडर्मेटा बताएंगे, क्या बताएंगे, इकाइनोडर्मेटा, अंतः कंकाल पाया जाता है और ये समुद्र में ही रहते हैं। 16 नंबर, सारे प्रश्न जो है ना वह उच्च स्तरीय हैं, देखिएगा इस प्रश्न को अब दूसरे टीचर कॉपी करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमने देखा नहीं है शिक्षकों को बताते हुए, तो ये चीज समझिए, क्योंकि सब एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी पढ़ाने में तो लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलिए आइए, इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से जीव आते हैं, स्टारफिश हो गया, समुद्री लीली, समुद्री खीरा, ये इकाइनोडर्मेटा में आते हैं, खीरा मतलब कोई खीरा नहीं है, ये जीव है, ये समझिएगा। चलिए 17 नंबर, सरीसृप वर्ग का हृदय, रेप्टाइल्स का हृदय पूछ रहा है, कितने पार्ट में होता है, तो 3 प्रकोष्ठ होता है, 2 अलिंद और 1 नील है, सरीसृप में 3 चैम्बर होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, लेकिन सरीसृप में मगरमच्छ छाता है और मगरमच्छ का हृदय जो है वह 4 प्रकोष्ठ में होता है, उभयचर का जो हृदय होता है वह भी 3 प्रकार ही होता है, 2 अलिंद और 1 नीलय, दालें जो है वह किस फूल से प्राप्त होती है, तो दालें जो है वह लीली एसी से प्राप्त होती हैं, जी हाँ सॉरी, दालें लेग्यूमिनेसी से होती हैं, लीली एसी नहीं, ये गलत हो गया है, देखिए इसको मैं काट रहा हूं, लेग्यूमिनेसी लिख लीजिएगा, लेग्यूम, ठीक ना, लेग्यूमिनेसी से प्राप्त होती हैं दालें, लीली एसी से नहीं, लीली एसी से लहसुन होता है, अभी हमने आपको पढ़ाया भी होगा शायद, हाँ। चलिए अगला प्रश्न, पौधे जो नमक युक्त, युग नहीं है, युक्त, नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइटा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हेलोफाइटा। चलिए 22 नंबर, मरुद्भिद किस दशा में उत्पन्न होते हैं, तो मरुद्भिद शुष्क और उष्ण दशा में उत्पन्न होते हैं, किस दशा में, शुष्क और उष्ण दशा में मरुद्भिद उत्पन्न होते हैं, कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो गंगेय डॉल्फिन, जी हाँ गंगेय डॉल्फिन जो है वह भारत का जलीय प्राणी, राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित हुआ है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, कौन सा एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल, मतलब सिंगल सेल वाला जीव कह रहा है, मल्टी सेलर नहीं, सिंगल सेल, तो एक कोशिकीय जीव में आएगा प्रोटोजोआ आ जाएगा, बिल्कुल, तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ सिंगल सेल वाला है। चलिए, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है वह रंग बदल देता है, तो यह वर्णक होता है, उसी वर्णक के कारण यह रंग भी बदलता है। मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है, तो अपने गलफड़े के द्वारा मछली जो है वह श्वसन करती है। चलिए 27 नंबर सवाल, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं, तो 4 जोड़ी, यानी पूछते कितनी आंखें होती है, तो 8 बताइए, कौन सा नाइट्रोजन स्थिर कारक जीवाणु है, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया का नाम पूछे तो बताएंगे राइजोबियम, क्या बताएंगे राइजोबियम। चलिए 29 नंबर सवाल, किसे कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में रॉबर्ट हुक, जी हाँ रॉबर्ट हुक को जाना जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं। चलिए अगला सवाल, वायरस यानी विषाणु जो है यह बने होते हैं, तो विषाणु वायरस किस चीज के बने होते हैं, यह केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं और उस न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है, बस यही वायरस है। चलिए अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है भैया, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है वह अविकसित होता है, स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं होता है, अविकसित होता है। चलिए यह प्रश्न भी आया था, किसने कोशिका में केंद्रक की खोज की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब अगर पूछे कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्र की खोज कैसे की, किससे की, तो ऑर्किड से की थी, ऑर्किड के जब परीक्षण कर रहे थे तो उसी से इन्होंने कोशिका में केंद्र की खोज कर ली थी, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए अगला सवाल, हाँ 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है,
33 नंबर सवाल, गुणसूत्र का अंतिम छोर क्या कहलाता है? गुणसूत्र जो है, मान के चलिए गुणसूत्र है तो इसका हेड है और ये अंतिम छोर है टेल, तो टेल से बना दीजिएगा टीलोमेयर, तो गुणसूत्र का जो अंतिम छोर है वह टीलोमेयर कहलाता है। चलिए 34 नंबर सवाल, जेम्स वाटसन द्वारा द्वि कुंडली संरचना जो है वह कब प्रस्तुत की गई थी? तो जेम्स वाटसन और क्रिक दोनों मिलकर के किया था 1953 में, इन्होंने द्वि कुंडली संरचना जो है वह प्रस्तुत किया था। कब कब किया था? 1953 में जेम्स वाटसन तथा क्रिक दोनों मिलकर के ऐसा किया था इन्होंने। चलिए अगला सवाल, लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतान में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? लक्षण और जो गुण है उसको माता पिता से संतान तक पहुंचाएगा कौन? तो डीएनए, कौन पहुंचाएगा? डीएनए, ओके याद रखिएगा। चलिए, लाइसोसोम में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? लाइसोसोम जो है ना आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली, तो इसमें एंजाइम होते हैं, इसकी प्रकृति जानते हैं? एसिडिक होती है यानी कि अम्लीय होती है, और आपको पता है कि 7 से नीचे जो अगर पीएच मान है तो अम्लीय है और 7 से पीएच मान ऊपर है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाता है, ध्यान दीजिए। अगला सवाल 37 नंबर, आल्टमैन ने माइटोकांड्रिया को क्या नाम दिया था? आल्टमैन ने माइटोकांड्रिया को जो नाम दिया है वह दिया है बायोप्लास्ट। जी हाँ, माइटोकांड्रिया की खोज भी आपसे पूछेगा कि किसने की तो आल्टमैन बताएंगे, लेकिन आल्टमैन ने इसका नाम अलग रखा था, वो जो नाम था वह था बायोप्लास्ट, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, लाइसोसोम है तो लाइसोसोम पाचन केंद्र है, लाइसोसोम क्या है भैया? तो लाइसोसोम जो है ना वह है पाचन केंद्र, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, आप जब देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, हालांकि क्वेश्चन तो आप लोग को मिला नहीं होगा लेकिन हम अपने यूट्यूब चैनल पर उसको डिस्कस कराए हैं, दो जिले का जो प्रश्न मिला है उसको तो देखिएगा, उसमें उसमें आया है ऐसा प्रश्न। कोशिका झिल्ली जो है वह बना होता है किससे? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड से बना होता है। जी हाँ, कोशिका झिल्ली जो है वह प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, ध्यान देना है। 39 नंबर सवाल, चलिए अब हम चलते हैं 40 नंबर, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का जो मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, फ्लोएम का मुख्य कार्य यही है कि पत्तियां द्वारा निर्मित भोजन, जो भोजन बनता है पत्तियों में, उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, विभिन्न भागों में पहुंचाना है, ठीक ना। इस ऊतक का अन्य नाम भी है, इसका एक अन्य नाम भी है और उसका फ्लोएम का, ये भी प्रश्न पूछा है कि फ्लोएम का एक अन्य नाम क्या है, तो बताएंगे कि बास्ट। जी हाँ, फ्लोएम का एक अन्य नाम क्या है? बास्ट। और इसका कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना है ना, स्थापित करना। चलिए आगे 41 नंबर, इसे चालन ऊतक भी कहा जाता है, इसे चालन ऊतक भी कहा जाता है, तो जाइलम को, जाइलम जल का वहन करता है, इसे चालन ऊतक भी कहा जाता है। आप पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का ऊतक है? तो यह जटिल स्थायी ऊतक है। कैसा है? जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम दोनों। चलिए 43 नंबर सवाल, शरीर की त्वचा एवं आंतरिक अंगों की श्लेष्मा झिल्ली का निर्माण किस ऊतक से होता है? शरीर की त्वचा हो गया या श्लेष्मा झिल्ली जो है उसका निर्माण किस ऊतक से होता है? तो यह उपकला ऊतक से होता है। किस ऊतक से? उपकला ऊतक से होता है। चलिए देखते हैं और भी प्रश्न है क्या? नहीं, तो 43 प्रश्न थे, 43 प्रश्न थे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि धीरे 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 लगभग आपको सारे सब्जेक्ट का ऐसे करके मैं 200-200 प्रश्न आपको दे दूंगा, ताकि आपका जो एग्जाम हो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए और 4-5 नंबर आपका बढ़ जाए। अगर इतना आप बढ़ा लेते हैं ईमानदारी से पढ़ के तो बिल्कुल ही आप सुरक्षित हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हमने जो क्वेश्चन आया है 7 अगस्त का, तो दो जिलों का हमारे पास क्वेश्चन मिला है, तो उन दोनों जिलों का क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराया हूँ, बिल्कुल 100 के 100 प्रश्न हैं, तो अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, बहुत ही काम आएगा। कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको जाकर के जरूर देखिए। तो इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो ये वाला ठीक लगे
तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा, है ना, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।